होगा या फिर मोदी जी वापस आएंगे? नहीं, मोदी जी तो अब गया काम से। अच्छा, उनका काम तमाम हो गया। तो अब गया काम से, उनका काम तमाम हो गया। यहाँ पे प्रदेश में है हम, बताइए हमारा घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। कोई गवर्नमेंट मेरे से आकर के पूछ रहा है कि हाँ भैया आप कैसे जी रहे हो, किस तरीके से जी रहे हो, कोई पूछ रहा है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव एकदम पूरा 100% बदलाव, जब जाकर के अपना हिंदुस्तान बनेगा, नहीं तो ये तो समझो कि बेकार हो चुका है। अभी भुखमरी और बेरोजगारी में अभी आप अपना देश जो ना बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, जो हमसे पहले निर्भर करता था, हम उनको मदद करते थे, आज वो हम लोगों से देश से ऊपर आगे चला गया है। वो योगी जी तो बस उनका भी अब आने वाला है टाइम, ये लोकसभा चुनाव के बाद उनका भी टाइम आने वाला है, ये लोकसभा चुनाव के बाद उनका भी टाइम आने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और आज नोएडा के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि इस बार क्या 2024 में बदलाव होगा। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। आपको क्या लगता है सर कि 2024 में इस बार बदलाव होगा? नहीं मैडम, बदलाव तो कुछ नहीं होना है, आज जो अभी प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में भी रहेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि जो देश का विकास है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर अदर कंट्री के, जैसे पहले क्या था कि हमारे इंडिया का कहीं भी कोई भी भारत को नहीं जानता था, ठीक है, आज की अगर जनरेशन के हिसाब से देखें तो अगर आज के जो लोग यहाँ मतलब बाहर कंट्री में रह रहे हैं उनसे पूछें तो वहाँ पे एक इंडियन की एक अलग ही वैल्यू है। तो इसलिए जो मोदी जी ने आज तक का विकास किया है वो ना अभी तक हुआ है, और मेरे को लगता नहीं कि कोई नया अगर लीडर इस तरीके से आए वो करे आगे करके। लेकिन विपक्ष जो है एक नया गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस, वो कहते हैं कि इस बार तो बदलाव होगा 24 में, आपको क्या लगता है? मैडम लोग जो कहते हैं बोलते कुछ है करते कुछ अलग है, ठीक है ना। जो आज की में सबसे ज़्यादा 80% लोगों की जो च्वाइस है, ठीक है, मोदी जी बेस्ट, आपको ऐसा लगता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? मैडम राहुल गांधी के बारे में नो कमेंट्स, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला ना, मैं क्या कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स वाला जो वो है ना वो कर ही नहीं सकते। पॉलिटिक्स वाली जो मतलब एक जैसे संजय मतलब पीछे के जो भी उनके पास्ट में है उनके अंदर वो चीज़ें थी थोड़ा जो कर सकते थे, पर राहुल गांधी नहीं है लीडर के उसमें बिल्कुल भी। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं उनकी एक तो क्या ना लोग मजाक इतनी ज़्यादा बना देते हैं कि मतलब एक तरीके से वो कॉमेंट्री कर सकते हैं बट लीडरशिप नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इस बार 24 में बदलाव होगा या फिर जो सरकार है वही रहेगी? जो सरकार है वही रहेगी, बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे अच्छा मोदी जी का काम अच्छा हो रहा है ना। कौन सा काम है जो आपको इतना अच्छा लगा? सारे काम है, उज्ज्वला योजना हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि हुआ, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हुआ जो गाँव के किसानों के लिए भी, शहर के लिए भी, ठीक है, और पीएम किसान सम्मान वो भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं, पीएम आवास योजना भी। तो आवास योजना की वजह से आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से चुनेगी मोदी? हाँ, जी को हाँ चुनेगी, जरूर चुनेगी। आप क्या सोचते हैं? यहाँ का कानून व्यवस्था भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। पहले लेबर मिस्त्री का जैसे जहाँ जाते थे वहाँ कोई पैसा ले लेता था, कोई सुनवाई नहीं था, अब तो एक बार में पूरा सुनवाई चालू हो जाता है, इसमें कोई दोहरा के बात नहीं है। आप रहने वाले कहाँ के? बिहार के हैं। आपको लगता है कि परिवर्तन है पहले के मुकाबले? जी परिवर्तन है, बढ़िया है, सब चीज़ अच्छा है, सब अच्छा है, इसमें कोई किसी की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिहार से हैं, नीतीश जी तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, होगा क्या ऐसा? वो लाइफ में भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? वो देख ही रहा है, एक शराबबंदी करने से क्या वो बदलाव हो गया है? शराब चली रहा है, मिल ही रहा है, उस बदलाव क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देखते हैं क्या होता है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, आप लोगों को कौन पसंद है, राहुल गांधी की मोदी जी? मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिए हैं? आपको कौन सा काम अच्छा लगे? हमें उनके सारे काम अच्छे लगे। सारे काम अच्छे लगे उनके। अच्छा, दो चार नाम जानते हो क्या काम किया है? पता है क्या काम? किसानों को अच्छी मतलब फसल के लिए
मतलब जो उन्हें पैसे नहीं मिलते लगे थे उसके लिए भी ठीक किया उनने। और भी कॉलेजों के लिए पुलिस वुलिस की भी अब कार्रवाई करते हैं, पुलिस भी किसी काम के लिए। कि 24 में बदलाव होगा या फिर मोदी जी वापस आएंगे? नहीं, मोदी जी तो अब गया काम से। अच्छा, उनका काम तमाम हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आदमी परेशान हो गया उनसे। अच्छा, क्या क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी को यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिल पाता है। मोदी जी जाएंगे तो आएगा कौन? राहुल गांधी। देश संभाल पाएंगे? पुराना वाला पार्टी। अच्छा, किस वजह से आपको इतना भरोसा है? बस है, वजह बहुत है। वजह क्या बताएं आपको, एक आध बता दीजिए लोगों को भी। अच्छा लगे बहुत है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, आदमी कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा, किससे खाएगा, कैसे क्या करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा वो बताइए आप। यहाँ पे प्रदेश में है हम, बताइए हमारा घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। कोई गवर्नमेंट मेरे से आकर के पूछ रहा है कि हाँ भैया आप कैसे जी रहे हो, किस तरीके से जी रहे हो, कोई पूछ रहा है? या मोदी हो या कोई भी हो, पूछ रहा है मेरे से? नहीं पूछ रहा है। तो आपको लगता है कि 24 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव एकदम पूरा 100% बदलाव, जब जाकर के अपना हिंदुस्तान बनेगा, नहीं तो ये तो समझो कि बेकार हो चुका है। इन लोगों ने 10 साल में 9 साल में इन लोगों ने बेकार कर दिया हिंदुस्तान को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर कुछ खाने पीने के मकसद से आए हैं, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप ये बताएं, क्या आपको लगता है कि 2024 में बदलाव होगा या फिर मोदी जी वापस आएंगे या फिर कोई और पार्टी? नहीं, मोदी जी वापसी आएंगे, और कोई पार्टी तो ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग में है नहीं, और बाकी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं मोदी जी, उस तरह से मुझे लगता है मोदी जी ही आएंगे। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि देखिए डेवलपमेंट उनके हिसाब से काफ़ी हो रहा है, रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे काफ़ी बन रहे हैं, और जो यहाँ पर जो गुंडागर्दी वगैरह थी वो योगी जी के टाइम में यहाँ पे कम हुई है, तो उसका इफेक्ट सेंटर में भी पड़ेगा। बाकी रही इंडस्ट्री की बात, जो छोटी इंडस्ट्री हैं वो थोड़ी लॉसेस में चलती हैं, जो बाकी बिगेस्ट इंडस्ट्री हैं वो अपने ठीक ठाक चल रही हैं। तो रोजगार भी मिले हैं जनता को, ऐसा नहीं है। जो हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सब में रोजगार मिला है, इंडस्ट्री में रोजगार मिला है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही आएंगे, और कोई ऑप्शन जनता के पास अभी नहीं है सर। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन वो कहती है कि इस बार तो राहुल गांधी के चांसेस हैं, हो सकता है वो आ जाए। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी के चांसेस हैं। बाकी तो गठबंधन तो महागठबंधन तो बना ही हुआ है, और सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मतलब बाकी विपक्षी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। जब इलेक्शन होते हैं तब निकल के सामने आती हैं, बाकी कोई नहीं सुनता जनता कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जनता के काम बीजेपी ही आ सकती है, बीजेपी ही हर एक उसके लिए काम कर रही है, मतलब चाहे वो किसान है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई भी है, चाहे आम जनता है। गरीब जनता के लिए उन्होंने मकान बना कर दिए हैं, सब कुछ दिया है। जो छोटे दुकानदार उनके लिए बड़ी अच्छी योजना लेकर आए, लोन वगैरह की योजना लेकर आए हैं, जिससे वो अपना काम कर सकें। इससे पहले कोई योजना नहीं थी गरीबों के लिए, जो रेहड़ी पटरी वालों को लोन दे सके। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि दूसरे कोई पार्टी आएगी। चलिए, ये तो बहुत तारीफ कर रहे हैं योगी और मोदी की, आपको क्या लग रहा है? भैया जो उनके सपोर्ट में होगा तो वो तो तारीफ ही करेंगे, जिनकी वजह से उनका घर चलता हो तो वो तो तारीफ ही करेंगे, जाहिर सी बात है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएंगे? इनसे तो ये पूछिए कि गरीब आदमी का क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, क्या हाल हुआ? अभी भुखमरी और बेरोजगारी में अभी अपना देश जो ना बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, जो हमसे पहले निर्भर करता था, हम उनको मदद करते थे, आज वो हम लोगों से देश से ऊपर आगे चला गया है वो। तो आप सुन सकते हैं और तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 18 में, जहां पर लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार। काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार तो बदलाव बेहद ज़रूरी है। हालांकि देखना यही होगा कि 24 में जनता क्या चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।